मेरी मांगे जी युवाओं के रोजगार को लेकर के है। जैसे कि कोई भी केंद्रीय जो है प्रोजेक्ट किसी भी क्षेत्र में लगता है तो उसमें एक रेशो रहती है कि 70% रोजगार वहां के स्थानीय युवाओं को या आम जनता को देना पड़ता है। लेकिन ये जो आप कंपनी का यहां पर काम देख रहे हैं, यहां पर बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा और किसी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जो कांग्रेस के पुराने हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी ही आप देख पाएंगे कि ये टिप्पर, ये सारी गाड़ियां, उनके ही ट्रैक्टर और उनको ही फायदा देने के लिए कंपनी यहां पर काम कर रही है। इसके विषय में हमने डीसी जो यहां पे बिलासपुर जिला के हैं उनको भी अवगत कराया था और उन्होंने उस विषय में कोई हमारी मांगे हमारी नहीं सुनी। उसके बाद हम अपने विधायक त्रिलोक जमवाल जी को भी इस बारे में सूचित किया है तो हमारी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो हमारे पास सिर्फ एक यही विकल्प बचा कि हम आंदोलन के जरिए ही अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आज यहां पर जो टनल का काम हमने बंद करवाया है, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ की जो स्थानीय हमारी पंचायतें हैं, जिन पंचायतों से होकर ये टनल का काम चला है, रेलवे लाइन आगे जा रही है, यहाँ के स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार दिया जाए और इसमें अनियमितताएं न बरती जाएं। प्रत्यक्ष तौर पे कोटेशन के साथ सारा रेलवे प्रशासन काम करे, किसी के दबाव में रेलवे प्रशासन काम ना करे, यहाँ के आम लोगों को उनके अधिकार के लिए ऐसे लड़ना न पड़े, इसके लिए ही हमारा आंदोलन है ताकि भविष्य में यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर बाहर बद्दी और चंडीगढ़ ना जाए। मेरी मांगे जी युवाओं के रोजगार को लेकर के है। जैसे कि कोई भी केंद्रीय जो है प्रोजेक्ट किसी भी क्षेत्र में लगता है तो उसमें एक रेशो रहती है कि 70% रोजगार वहां के स्थानीय युवाओं को या आम जनता को देना पड़ता है। लेकिन ये जो आप कंपनी का यहाँ पर काम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा और किसी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जो कांग्रेस के पुराने हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी ही आप देख पाएंगे कि ये टिप्पर, ये सारी गाड़ियां, उनके ही ट्रैक्टर और उनको ही फायदा देने के लिए कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। इसके विषय में हमने डीसी जो यहाँ पे बिलासपुर जिला के हैं उनको भी अवगत कराया था और उन्होंने उस विषय में कोई हमारी मांगे हमारी नहीं सुनी। उसके बाद हम अपने विधायक त्रिलोक जमवाल जी को भी इस बारे में सूचित किया है तो हमारी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो हमारे पास सिर्फ एक यही विकल्प बचा कि हम आंदोलन के जरिए ही अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आज यहां पर जो टनल का काम हमने बंद करवाया है, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ की जो स्थानीय हमारी पंचायतें हैं, जिन पंचायतों से होकर ये टनल का काम चला है, रेलवे लाइन आगे जा रही है, यहाँ के स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार दिया जाए और इसमें अनियमितताएं न बरती जाएं। प्रत्यक्ष तौर पे कोटेशन के साथ सारा रेलवे प्रशासन काम करे, किसी के दबाव में रेलवे प्रशासन काम ना करे, यहाँ के आम लोगों को उनके अधिकार के लिए ऐसे लड़ना न पड़े, इसके लिए ही हमारा आंदोलन है ताकि भविष्य में यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर बाहर बद्दी और चंडीगढ़ ना जाए।